नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिर्फ एक चम्मच तेल में लौकी का बहुत ही हेल्दी सेहतमंद नाश्ता। आप एक बार मेरे तरीके से ये लौकी का हेल्दी सेहतमंद नाश्ता बनाकर देखोगे तो जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते वो भी ऐसा टेस्टी नाश्ता मांग मांग कर खाएंगे। लौकी खाना तो सेहत के लिए लाभदायक है, साथ ही हम ये नाश्ता सिर्फ एक चम्मच तेल में बना रहे हैं, इससे तो ये नाश्ता और भी हेल्दी बनता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ये लौकी का हेल्दी सेहतमंद नाश्ता बनाते हैं। ये मैंने मीडियम आकार के लौकी को कद्दूकस करके रखा है। इसमें हम आधा चमचा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये मिक्सर के जार में मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया और जीरा डाल के दरदरा पीस ली हूँ। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अजवाइन और तिल हम हाथों पे क्रश करके इसमें डालेंगे, इससे हमारा नाश्ता और भी टेस्टी बन जाएगा। इसमें हम आधा चमचा नमक डालेंगे। इसमें हम एक कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी की जगह पे आप चावल का आटा भी डाल सकते हो। नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए हम वही कटोरी से एक कटोरी बेसन डालेंगे। इसको हम बिना पानी डाले अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है इसलिए हमने इसमें कुछ भी पानी डाले नहीं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट रख देंगे। लौकी को जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ देगा और हमारी सूजी भी अच्छे से फूल के रेडी हो जाएंगी। अभी हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम और एक दूसरी कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन डाला था, हमारा 2 कटोरी पानी डाल के हो चुका है। मिक्सर के जार को धो के हम और इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसका घोल बना के रेडी करना है। देख सकते हैं आप, इस तरह हमें इसका घोल बनाना है। कढ़ाई गैस पे रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। उसको हम चम्मच से चला लेंगे। प्याज हल्का सा नरम होने के बाद में हम उसमें ये हमारा मिश्रण डाल देंगे। और इसको हम चम्मच से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम पूरा मीडियम रखेंगे और चम्मच से लगातार चलाते हुए हम ये मिश्रण को पका लेंगे। ध्यान में रखना है कि हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये हमारा मिश्रण जल जाएगा। चम्मच से हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये मिश्रण जलने को नहीं होना। ये देखिए, मिश्रण अभी धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। इस तरह हमें चम्मच से लगातार चलाते रहना है। ये मिश्रण को पकाते हुए मुझे अभी 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, मिश्रण अभी गाढ़ा होते जा रहा है। ये देखिए, मिश्रण अभी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अभी हम और इसको 2 मिनट पका लेंगे, चम्मच से चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये अभी हमारा ये मिश्रण गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी हम गैस बंद कर देंगे और ये मिश्रण को हम एक थाली में निकाल लेंगे। वो थाली को हम तेल लगा के रख देंगे, उसमें हम ये मिश्रण डाल देंगे। ये देखिए, ये थाली को मैंने तेल लगा के रख दी हूँ। अब ये मिश्रण गरम गरम ही हम ये थाली में डाल देंगे। इसको हम चम्मच के मदद से इस तरह सेट कर लेंगे, इस तरीके से। पूरा प्लेन कर लेंगे और ये मिश्रण को हम 10 मिनट अभी ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर में रख देंगे। 10 मिनट के बाद में ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है और सेट भी हो चुका है। अभी हम चाकू से इसके काट इस तरह काट के
ढीले कर लेंगे। अभी हम उसके ऊपर में एक थाली रखेंगे और थाली के ऊपर में हम ये इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और हाथ से ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का थपका के हम इसको अभी निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है। हमने थाली को पहले ही तेल लगा के तैयार किया था। अभी हम इसको कट कर लेंगे। आप कौन से भी आकार में इसको कट कर सकते हो। मैं इसको स्क्वायर आकार में कट करके इसको ट्रायंगल साइज में कट करने वाली हूँ। एक स्क्वायर को मैंने इस तरह बीच में से काट के ट्रायंगल साइज में कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह मैंने ट्रायंगल साइज में इसको कट कर लिया है। ये देखिए कितनी मस्त बन के तैयार हुई है। इस तरह मैंने ट्रायंगल साइज में इसको कट कर लिया है। आप इसको ऐसे भी खाओगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये नाश्ते को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम एक पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे। उसमें हम एक चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता और भी हेल्दी बन जाएगा। तिल थोड़े से तड़कने के बाद में हम उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक एक वड़ी को रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा हिला के उलट पलट करके सेक लेंगे। ये देखिए हमारा लौकी का नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।